नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में सीएचडी कैंटीन में रैंक वाइज किसकी कितनी पैसे की सीमा लिमिट है उस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होने से पूर्व ही सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये खबरें काफ़ी चर्चा का विषय थी कि सीएचडी में ग्रोसरी में भारी कटौती की गई है। इस तरह की खबरों से माहौल गर्म था। कैंटीन में सामान नहीं मिल रहा है और सामानों पर कंट्रोल किया जा रहा है इत्यादि इत्यादि खबरें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाई हुई थी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से QM जनरल ब्रांच के लेटर के हिसाब से जो मॉनेटरी लिमिट है वो इस प्रकार है। ऑफिसर और उसके समकक्ष, JCO ग्रांटेड ऑनरी कमीशन और उसके समकक्ष, इनके लिए ग्रोसरी कार्ड की लिमिट है 11,000 रुपये और लिक्वर कार्ड की लिमिट है 2,500 रुपये, तो टोटल लिमिट है 13,500 रुपये पर मंथ। दोस्तों, जिस आइटम की कीमत 750 रुपये से अधिक है वो आइटम AFD आइटम में काउंट होता है। उसकी इन दोनों कैटेगरी के लिए एनुअल लिमिट है 1,00,000 रुपये। और दोस्तों देखिए, JCO और उसके समकक्ष, उसके ग्रोसरी कार्ड की लिमिट 8,000 रुपये और लिक्वर कार्ड की लिमिट 2,500 रुपये, तो टोटल उसके कार्ड की लिमिट पर मंथ हो गई 10,500 रुपये। और इनके लिए AFD आइटम की जो लिमिट है एनुअली वो है 75,000 रुपये। अदर रैंक्स और उसके समकक्ष, ग्रोसरी के लिए 5,500 और लिक्वर कार्ड का 2,500, टोटल लिमिट हो गई 8,000 पर मंथ। और इनके लिए AFD आइटम के लिए होगी लिमिट 55,000 सालाना। डिफेंस सिविलियन जो PB3 और PB4 कैटेगरी में आते हैं, उनके ग्रोसरी की लिमिट है 11,000 रुपये पर मंथ। इनके लिए लिक्वर ऑथराइज नहीं है और इनके लिए AFD आइटम की लिमिट भी 1,00,000 रुपये है। डिफेंस सिविलियंस PB2 में उनके लिए 8,000 रुपये और इनके लिए AFD आइटम में 75,000 रुपये की लिमिट है। डिफेंस सिविलियन जो PB1 में आते हैं, इनके लिए ग्रोसरी कार्ड की लिमिट है 5,500, लिक्वर ऑथराइज नहीं है और AFD आइटम के लिए एनुअली ऑथराइज है 55,000 रुपये का। दोस्तों, इस लेटर में कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ। जैसे कि ये दिया सूटकेस, वॉचेस, प्रेशर कुकर, फैन एंड अदर अट्रैक्टिव टॉयलेटरी एंड कॉस्मेटिक आइटम जो काफ़ी महंगे होते हैं, इनके प्राइसेस में मार्केट में और सिविल में काफ़ी डिफरेंस है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कहा गया है ताकि माल प्रैक्टिस होने से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये थी रैंक वाइज मॉनेटरी लिमिट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।